शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए शहर में 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक लॉकडाउन लगने के आदेश जारी होते ही पुलिस प्रशासन पूरी तैयार से तैयार है। ऐसी जानकारी डीसीपी विनीता साहू ने बीसीएन की टीम को दी है। वुहान से आए कोरोना महामारी ने सबको झंझोर कर रख दिया है। कोरोना से अब तक हजारों संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं शहर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा 7 दिनों का कड़क लॉकडाउन लगाया गया है। 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक शहर में लॉकडाउन रहने वाला है। यदि कोरोना का खतरा यूं ही बढ़ता रहेगा तो कोरोना के लॉकडाउन की समय सीमा और भी बढ़ सकती है। कोरोना के आदेश की जो धज्जियां उड़ाएगा उस पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगा, और जब प्रशासन की बात को जनता अनदेखी करेगी ऐसे समय पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा। ऐसी जानकारी डीसीपी विनीता साहू इन्होंने बीसीएन समक्ष दी। देख सकते हैं कि बर्थडे पे किस तरह से पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया है। लॉकडाउन के चलते लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है, और मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अच्छा कामकाज कर रही है। इस समय में हमारे साथ में डीसीपी विनीता साहू मैम, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। उससे पहले हम थोड़ा विजुअल आपको बता दें कि देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। बिना काम के यदि कोई बाहर निकलता है तो उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पुलिस की एक सब दल बल पूरी तैयारी में है ताकि कोई भी अनुचित घटना अगर हो जाती है तो उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, इसलिए पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है। आइए हम सीधा रुक करते हैं। सौ मैम हमारे साथ में, मैम ये बताइए कि जिस तरह से आज पुलिस प्रशासन जो अच्छा कामकाज कर रही है, जो बंदोबस्त कर रही है घर में, इस समय में तमाम दर्शक आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, ऐसे दर्शकों के लिए आज इस लॉकडाउन के दिन पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए ये जो डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लिया गया है। कृपया करके पुलिस का, प्रशासन का और शासन का इसमें आप सहकार्य करें। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। केवल अत्यावश्यक सुविधाओं की को अवेल करने के लिए ही घर से बाहर निकलें, जिसमें कि सिर्फ मेडिकल की जो सुविधा है, हॉस्पिटल्स हैं, या फिर किराना या सब्जी की आवश्यकता हो तभी आप बाहर निकलें। इसके अलावा आप कृपया कर बाहर ना निकलें और मास्क ज़रूर लगाकर निकले। टू व्हीलर पर सिर्फ एक पर्सन अलाउड है और फोर व्हीलर में सिर्फ 2 लोग अलाउड हैं। ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ज़रूर फॉलो करें, और मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक जब तक ये लॉकडाउन शुरू है तब तक इसे टालें। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और अगर पुलिस आपको रोकती है, आपसे पूछताछ करती है तो हमारा सहयोग करें। मैम ये बताइए कि पुलिस की कौन कौन सी कंपनियां या टुकड़े हैं यहाँ पे तैनात की गई है आज के इस पुख्ता इंतजाम के लिए? देखिए, यहाँ पर आज हम वैरायटी स्क्वायर पर खड़े हुए हैं। यहाँ वैरायटी स्क्वायर में एक RCP है, पुलिस स्टेशन का पूरा बंदोबस्त है, SRPF का एक प्लाटून है, और साथ ही में DCP, ACP, लोकल PI, क्राइम PI, ये सभी यहाँ पर अपने बाकी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मौजूद हैं। तो आप थे DCP विनीता साहू मैडम, जिन्होंने बखबीर बेबा के साथ बात करते हुए तमाम आज का जो लॉकडाउन के चलते जो कामकाज हो रहा है उसके ऊपर में उन्होंने जानकारी दी किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और शहर की जनता ने पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए, ऐसी अपील भी DCP विनीता साहू मैडम इन्होंने की है। बर्डी के इस वैरायटी चौक से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।